दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा हमारा जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है, इनकी जितनी भी सारी सर्विसेज है ना, वो सब कुछ अभी हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि हमारा जो सेविंग अकाउंट होता था वो डिजिटल हो चुका है, जैसे कि अब हम अपने ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे कुछ हम ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे जो आधार कार्ड में अगर हम अपना मोबाइल नंबर लिंक करते हैं या फिर अपने ईमेल एड्रेस को लिंक करते हैं या ऐड करते हैं या कुछ मिस्टेक हो गया उसे करेक्शन करते हैं, तो वो भी हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से सर्विस जो है डोर टू डोर मिलने लगा है। एंड यहां पर आपको किसी भी आधार कार्ड की सेंटर में जाकर ये जो छोटे मोटे काम होते हैं इसके लिए आपको सेंटर नहीं जाना होता है। अगर आपको नहीं पता है कि ऐसे कैसे होता है, कैसे आप अपने मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो, ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे, तो एंड स्क्रीन में वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, वहां स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अपने जो पोस्ट ऑफिस है इसकी सारी सर्विसेज अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। जैसे अभी हमें अपने इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पर अगर आप जाकर देखते हो, तो यहाँ पर अब हमें रिटेल की जो रजिस्ट्रेशन है जो इसे करने के प्रोसेस यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम अपने रिटेल की जो रजिस्ट्रेशन है वो ईजिली कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें अपना आईडी बना लेते हो तो आप यहाँ पर अपने कस्टमर को जैसे भी सर्विस देते हो, अगर आपका काम अच्छा रहा तो यहाँ पर आप इंडियन पोस्ट ऑफिस की CSP के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। लाइक कैसे क्या होता है यहाँ पर हमारे जो रिटेल सर्विसेज उसे कैसे अप्लाई करना पड़ता है, क्या है आगे का प्रोसेस, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट जानने वाले हो। एंड वीडियो में आप अगर नए हो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कैसे क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है एंड क्या इसके फ्यूचर है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि आपको सारे डिटेल्स में बताने के लिए यहाँ पर मैं अपने ब्राउजर में आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर भी आपको सिंपली इस तरीके से गूगल में आना है। एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा www.indianpost.gov.in, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसी वाले साइट में आपको सिंपली आ जाना है। एंड यहाँ पर मैं आपको ओपन करके इसकी सारी जो फंक्शन एंड जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है सर्विसेस वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि देखो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर इंटरफेस नज़र आने वाला है जैसे आप इसे ओपन करते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये जो हमें ऊपर की तरफ एक रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे जो रजिस्टर का ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना रजिस्टर, इसमें हम अगर जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें जो हमारे सर्विस है रिटेल की वो ऑप्शन आ जाता है। देख पा रहे हो यहाँ पर हमें एक रिटेल और एक है जो कॉर्पोरेट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। एंड आप यहां पर रिटेल में क्लिक करके सिंपली अपने आईडी बना सकते हो, वो भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो इसकी सर्विसेज है वो सारी यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि आप थोड़ी से नीचे आते हो तो यहां पर आपको रिटेल सर्विस की एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, राइट। एंड यहां पर जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हो तो यहां पर अभी जो पोर्टल है वो काफ़ी ज़्यादा नया है एंड इसी वजह से यहां पर अभी जो सर्विसेज है वो काफ़ी लिमिटेड है एंड आगे ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो हमें जो अभी सर्विसेज मिल रहा है एंड मिलने वाला है, तो वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो जो आधार अपडेशन का काम यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। देख पा रहे हो यहाँ पर रिटेल पोस्ट की आधार अपडेशन एंड यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, यहाँ पर जो भी कुछ अभी छोटी मोटी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप CSP के लिए भी अपना अप्लाई कर सकते हो, आपका अगर एक बार आईडी यहाँ पर बन जाता है। लाइक कैसे आपको यहाँ पर अपना आईडी बनाना होगा वो भी आपको कंप्लीट बताने वाला हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो डोर स्टेप सर्विस है वो भी आपको एंड स्क्रीन वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना क्या क्या आपको मिलता है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो रिटेल में आप एक बार जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो रजिस्टर जो आईडी है रिटेल की उसके बनाने के लिए रजिस्टर योर अकाउंट आपको करना पड़ता है। एंड यहाँ पर देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपके यहाँ पर यूज़र आईडी और जो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक यहाँ पर आपको हिंट क्वेश्चन दिया जाएगा और इसका आंसर आपको यहाँ पर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो यूज़र आईडी हो ये बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, आप अपने नाम के साथ कुछ नंबर का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चेक एबिलिटी में क्लिक करके देखेंगे, अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको ग्रीन साइन नीचे मिल जाएगा एंड आप उसे यहाँ पर अपने आईडी को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक बार जैसे आप यहाँ पर अपनी जो आईडी है वो क्रिएट कर लेते हो तो
उसके बाद आपके सामने ये जो फॉर्म वगैरह है सब आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। ये तो आप फिल कर ही लोगे मुझे पता है, इसलिए मैं पूरा इन्फॉर्मेशन इसकी जो कैसे फिल करना है वो नहीं बता रहा हूँ। अगर फिल करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का मैसेज आता है, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएट विथ यूज़र आईडी। यूज़र आईडी मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो आपका जो यूज़र आईडी होगा यहाँ पर आपको दिखने वाला है। एंड इसी यूज़र आईडी से आप अपने सारे काम को कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अब दिखा गया है वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, आपकी जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर दिया हुआ है उसी ईमेल एड्रेस में एक यूआरएल मिलेगा, यानी उस यूआरएल में आप क्लिक करके अपने जो पासवर्ड है उसे आप अच्छे अपने तरीके से सेट कर सकते हो, जो कि आपको हमेशा याद रहने वाला है। एंड उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो आपको जो सर्विसेज मिलता है, लाइक यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अभी हमें दिया गया है आधार अपडेशन का जो काम, आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो उसके लिए यहाँ पर मैं आधार अपडेशन में यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा सर्विसेज है वो किस तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो आधार इनरोलमेंट कम अपडेशन सेंटर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेनली टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन इंडिया पोस्ट। यहाँ पर आपको अभी सेल पर सेफ दो टाइप की सर्विसेज दिखाई दे रहा होगा, जो कि आधार सेंटर से रिलेटेड है, जैसे जो कि आधार इनरोलमेंट और एक है आधार अपडेशन। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ न्यू एनरोलमेंट के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, बायोमेट्रिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, अदर बायोमेट्रिक अपडेशन 100 एंड डेमोग्राफिक 50। और यहाँ पर इसे आप करते हो तो CSP की तरफ से आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिल ही जाता है। बाकी आपको इसके अच्छी तरीके से डिटेल्स लेना है, आप कैसे इसमें बिजनेस कर सकते हो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर आपको जो कॉन्टेक्ट अस का डिटेल्स दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो कि बस यहाँ पर आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से आप यहाँ पर पूछताछ कर सकते हो कि ये काम कैसे करना है, कैसे आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपने रिटेल यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड रजिस्टर कर सकते हो एंड अपना आईडी बना सकते हो। बाकी आधार कार्ड से जुड़े हुए जो पोस्ट ऑफिस डोर टू डोर सर्विस हमें देता है वो आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियोज यहाँ पर अपलोड होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेश्चन हो तो आपके मन में जरूर आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।